हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की हम लोग के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्टन्स के बारे में। यानी दोस्तों इस आईपीएल यानी आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और ऐसे ही हम लोग कुल 15 बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों 15वें नंबर पे नाम आता है विराट कोहली का। विराट कोहली ने इस आईपीएल 2021 में कुल 7 मैचेस खेले, क्योंकि यह आईपीएल अथवा हुआ है इस कारण। और इन 7 मैचेस में से विराट कोहली ने कुल 198 रन मारे हैं। उनका हाईएस्ट रन है 72 नॉट आउट, एवरेज 33 का। और अगर वही बात करें 85 शतक या छक्के और चौके की, तो विराट कोहली ने एक भी शतक नहीं चढ़ा इस साल। और विराट कोहली ने लेकिन एक 85 चढ़ा है। विराट कोहली ने आईपीएल 2021 में कुल 21 चौके चढ़े हैं, और विराट कोहली ने इस आईपीएल 2021 में कुल 4 छक्के चढ़े हैं। तो ये तो बात कर ली हमने 15वें नंबर की बात। तो दोस्तों 14वें नंबर पे नाम आता है नीतीश राणा का। नीतीश राणा ने इस आईपीएल में कुल 201 रन बनाए हैं, और दोस्तों उन्होंने ये 201 रन कुल 7 मैचेस में बनाए हैं। और उनका हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 80। वही बात करें नीतीश राणा के एवरेज की, तो नीतीश राणा की एवरेज रही है 28.71 की। तो दोस्तों वही बात करें नीतीश राणा के 50 शतक की, तो नीतीश राणा ने कुल 2 50s मारी है, लेकिन नीतीश राणा ने एक भी शतक नहीं चढ़ा। वही नीतीश राणा ने कुल 21 चौके मारे हैं, लेकिन नीतीश राणा ने 9 लंबे लंबे छक्के भी मारे हैं। तो ये तो बात कर ली हमने 14वें नंबर की बात। तो दोस्तों 13वें नंबर पे नाम आता है मोइन अली का। मोइन अली ने इस आईपीएल 2021 में कुल 206 रन मारे हैं। वही बात करें मोइन अली के बेस्ट स्कोर की, तो मोइन अली का बेस्ट स्कोर है 58, और उन्होंने ये 206 रन 7 मैचेस में बनाए थे। मोइन अली के एवरेज की बात करें तो मोइन अली का एवरेज आया है 34.33 का। वहीं मोइन अली के 50s और 100s की बात करें तो मोइन अली ने एक भी शतक नहीं चढ़ा, लेकिन मोइन अली ने एक अशतक चढ़ा है। वही बात करें चौके और छक्कों की, तो मोइन अली ने इस आईपीएल 2021 में कुल 22 चौके चढ़े हैं। वही मोइन अली ने कुल 12 लंबे लंबे छक्के भी चढ़े हैं। तो दोस्तों 12वें नंबर पे नाम आता है एबी डिविलियर्स का। एबी डिविलियर्स ने कुल 7 मैचों में 207 रन बनाए। उनका बेस्ट रहा है इस बार 76 नॉट आउट का। वही बात करें एबी डिविलियर्स के एवरेज की, जो कि उनका आईपीएल 2021 में रहा है, तो वो रहा है 51.75 का। वही एबी डिविलियर्स के शतक और 50s की बात करें तो एबी डिविलियर्स ने एक भी शतक नहीं चढ़ा, लेकिन एबी डिविलियर्स ने इस यानी आईपीएल 2021 में 2 अशतक चढ़े हैं। वही एबी डिविलियर्स ने कुल 16 चौके मारे हैं, और एबी डिविलियर्स ने इस आईपीएल 2021 में कुल 10 छक्के लगाए हैं। तो दोस्तों 11वें नंबर पे नाम आता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत ने इस आईपीएल 2021 में कुल 7-8 मैचेस में 213 रन मारे हैं। उनका हाईएस्ट रहा है इस आईपीएल 2021 में 58 नॉट आउट का। उनकी एवरेज यही है इस आईपीएल 2021 में कुल 35.50 की। वही बात करें 50s और 100s की, तो ऋषभ पंत ने इस आईपीएल 2021 में एक भी शतक नहीं चढ़ा, लेकिन ऋषभ पंत ने इस आईपीएल 2021 में कुल 2 अशतक चढ़े हैं।
ऋषभ पंत ने इस IPL 2021 में 25 चौके लगाए हैं और ऋषभ पंत ने इस IPL 2021 में कुल 4 लंबे छक्के भी लगाए हैं। तो दोस्तों, 10वें नंबर पे नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल ने कुल 7 मैचेस खेले हैं और उन्होंने कुल 230 रन मारे हैं इस IPL 2021 में। वो उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है इस IPL में 78 का। वही बात करें ग्लेन मैक्सवेल के एवरेज की तो उनका एवरेज था 37.16 का। वही बात करें ग्लेन मैक्सवेल के 50s या 100s की तो मैं आपको बता दूं कि 100 उन्होंने लगाए नहीं थे, वो आपको हाईएस्ट स्कोर से ही समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, ग्लेन मैक्सवेल ने तो 50 से लगाए हैं और ग्लेन मैक्सवेल ने इस IPL 2021 में कुल 21 चौके मारे हैं और 10 लंबे लंबे छक्के मारे हैं। तो ये तो बात कर ली हमने 10वें नंबर की बात। तो दोस्तों, 90वें नंबर पे नाम आता है जॉनी बेस्टो का। जॉनी बेस्टो ने इस IPL 2021 में कुल 248 रन मारे हैं, जिसमें से उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 63 नॉट आउट का। और दोस्तों, वही बात करें इनकी एवरेज की तो इनका एवरेज है 41.33 का। वही बात करें कि जॉनी बेस्टो ने कितने शतक या अर्धशतक लगाए हैं तो अब जॉनी बेस्टो के हाईएस्ट स्कोर से समझ गए हो कि उन्होंने एक भी शतक नहीं चढ़ा। लेकिन जॉनी बेस्टो ने इस IPL में कुल 2 अर्धशतक चढ़े हैं। वही बात करें चौके छक्कों की तो जॉनी बेस्टो ने इस IPL में कुल 20 चौके मारे। वही जॉनी बेस्टो ने इस IPL में कुल 15 लंबे लंबे छक्के भी चढ़े। तो ये तो बात कर ली 90वें नंबर की बात। तो दोस्तों, 8वें नंबर पे नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने कुल 7 मैचेस खेले हैं और उन्होंने कुल 250 रन ठोके हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है इस IPL में 63 का। वही एवरेज आया 35.71 का। वो आप इनके हाईएस्ट स्कोर से ही समझ गए होंगे कि इन्होंने एक भी शतक नहीं चढ़ा। लेकिन रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक सब चढ़ा है। वही बात करें रोहित शर्मा के चौके और छक्कों के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ने इस IPL में कुल 18 चौके चढ़े हैं। वही रोहित शर्मा ने इस IPL में कुल 11 लंबे लंबे छक्के भी चढ़े हैं। तो दोस्तों, ये तो बात कर ली हमने 8वें नंबर की बात। तो अब देखते हैं कि 7वें नंबर पे कौन है। तो दोस्तों, 7वें नंबर पे नाम आता है जोस पटला का। जोस पटला ने कुल 7 मैचेस खेले और उन्होंने कुल इस IPL में 254 रन ठोके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जोस पटला का हाईएस्ट स्कोर रहा है इस IPL में 124 का। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जोस पटला की ये पहली सेंचुरी थी पूरे के पूरे T20 करियर में। वही जोस पटला का एवरेज रहा है इस IPL में 36.28 का। वही जोस पटला ने एक शतक चढ़ा है। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि जोस पटला ने एक भी अर्धशतक नहीं चढ़ा। जोस पटला ने इस IPL में कुल 27 चौके मारे हैं। वही जोस पटला ने इस IPL में कुल 13 छक्के भी मारे हैं, जो कि बहुत लंबे थे। तो दोस्तों, 6 नंबर पे नाम आता है मयंक अग्रवाल का। मयंक अग्रवाल ने कुल 8 मैचेस खेले हैं इस IPL 2021 में और इन 8 मैचेस में से कुल उन्होंने 260 रन बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है इस IPL में 99 नॉट आउट का। वही एवरेज की बात करें तो मयंक अग्रवाल का एवरेज रहा है इस IPL में 43.33 का। वही बात करें हम लोग शतक और अर्धशतक की तो मयंक अग्रवाल ने कुल एक भी शतक नहीं चढ़ा। वो आप उनके हाईएस्ट स्कोर को देख के ही समझ गए होंगे। वही बात करें 50s की तो मयंक अग्रवाल ने कुल 2 50s चढ़ी है। उन्होंने कुल 24 चौके मारे हैं और 11 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं इस IPL 2021। तो दोस्तों, 5वें नंबर पे नाम आता है संजू सैमसन का। संजू सैमसन ने कुल 7 मैचेस पर 277 रन बनाए।
उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है इस आईपीएल में 119 का। उनका एवरेज रहा है इस आईपीएल में 46.16 का। वही बात करें हम लोग संजू सैमसन के शतक और अर्धशतक के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन ने एक शतक मारा है, लेकिन ये चौंकने वाली बात है कि संजू सैमसन ने एक भी अर्धशतक नहीं चढ़ा। वही मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन ने कुल 26 चौके मारे हैं इस आईपीएल में, और संजू सैमसन ने इस आईपीएल में कुल 11 लंबे लंबे छक्के भी मारे हैं। तो ये तो बात कर ली हमने पाँचवें नंबर की। तो दोस्तों चौथे नंबर पे नाम आता है पृथ्वी शॉ का। इस चौथे कद के खिलाड़ी ने बहुत सारे रन चढ़े हैं इस आईपीएल 2021 में। इन्होंने कुल 308 रन बनाए हैं और जिसमें से इनका हाईएस्ट स्कोर है 82 का। वही बात करें पृथ्वी शॉ के एवरेज की, तो इनका एवरेज रहा है इस आईपीएल में 38.50 का। वही बात करें पृथ्वी शॉ के शतक और अर्धशतक की, तो आपको हाईएस्ट स्कोर को देख के ही समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी शॉ ने एक भी शतक नहीं चढ़ा, लेकिन पृथ्वी शॉ ने कुल 3 अर्धशतक चढ़े हैं इस आईपीएल में। वही पृथ्वी शॉ ने कुल 37 चौके मारे हैं इस आईपीएल में, साथ ही साथ पृथ्वी शॉ ने 12 लंबे लंबे छक्के भी मारे हैं इस आईपीएल में। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे नाम आता है फैफ डु प्लेसी का। फैफ डु प्लेसी ने कुल 7 मैच खेले हैं और उन्होंने कुल 320 रन मारे हैं, जिसमें से कि फैफ डु प्लेसी का हाईएस्ट स्कोर रहा है 95 नो डाउट का। वही बात करें फैफ डु प्लेसी के एवरेज की, तो उनका एवरेज आया है 64 का। वही बात करें फैफ डु प्लेसी के शतक और अर्धशतक की, तो आपको हाईएस्ट स्कोर को देख के समझ में आ गया होगा कि उन्होंने शतक नहीं चढ़ा, लेकिन ये सुन के आप चौंक जाओगे कि फैफ डु प्लेसी ने कुल 4 अर्धशतक चढ़े हैं। वही बात करें फैफ डु प्लेसी के चौके छक्कों के बारे में, तो फैफ डु प्लेसी ने कुल 29 चौके लगाए हैं इस आईपीएल में। वही फैफ डु प्लेसी ने 13 छक्के लगाए हैं इस आईपीएल में। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे नाम आता है पंजाब किंग्स के कप्तान के राहुल का। इन्होंने इस आईपीएल 2021 में कुल 331 रन मारे हैं, जिसमें से कि उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 91 नॉट आउट। और मैं आपको बता दूं कि के राहुल ने ये कमाल 8 मैचेस में करा है। वही बात करें के राहुल के एवरेज की, तो उनका एवरेज रहा है इस आईपीएल में 66.20 का। वही बात करें शतक और अर्धशतक की, तो आपको हाईएस्ट स्कोर को देख के समझ में आ गया होगा कि के राहुल ने इस बार शतक नहीं चढ़ा, लेकिन उन्होंने 4 अर्धशतक जरूर चढ़े हैं। वही बात करें के राहुल के चौके और छक्कों की, तो के राहुल ने इस आईपीएल में 27 चौके और 16 लंबे लंबे छक्के चढ़े हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे नाम आता है शिखर धवन का। इस लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज से बहुत सारे नंग निकले इस आईपीएल 2021 में। इन्होंने 8 मैचेस में कुल 380 रन मारे, जिसमें से इनका हाईएस्ट स्कोर है 92 रन, और वही उनका एवरेज रहा है इस आईपीएल में 54.28 का। वही बात करें शिखर धवन के शतक और अर्धशतक की, तो शिखर धवन ने एक भी शतक नहीं चढ़ा, वो आपको हाईएस्ट स्कोर को देख के समझ में आ गया होगा, लेकिन शिखर धवन ने 3 अर्धशतक जरूर चढ़े हैं इस आईपीएल में। वही बात करें चौके छक्कों की, तो शिखर धवन ने इस आईपीएल में कुल 43 चौके चढ़े हैं, जो कि आईपीएल 2021 में सबसे ज़्यादा चौके हैं। वही उन्होंने कुल 8 लंबे लंबे छक्के चढ़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि कौन जीते कल पल ऑरेंज कैप। दोस्तों वैसे तो मैंने बंदा आम बताए हैं, और उनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ये भी कमेंट करके बताना कि इस आईपीएल 2021 में कौन ऑरेंज कैप जीतेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं इस वीडियो को जी समाप्त कर देता हूँ।